तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि हमारा एक YouTube पर चैनल था जो कि डिलीट हो गया था, ठीक है। तो फाइनली उसके डिलीट होने के बाद मैंने एक चैनल ओपन किया, यही टेक अमानत ऑफिशियल नाम से, और भाई मैंने इसको टोटल 3 महीने के अंदर मोनेटाइज करवा लिया, ठीक है। तो फाइनली अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सर आपने अपने चैनल पर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपका चैनल 3 महीने के अंदर जो है वो मोनेटाइज हो गया, तो भाई मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बस ये एक वीडियो का खेल है। अगर आपके चैनल का एक वीडियो निकल गया ना तो भाई आपका चैनल साथ ही साथ मोनेटाइज हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को यह भी पता है कि हमारे चैनल पे आपको एक ऐसा वीडियो दिखेगा जिस पे टोटल 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, ठीक है। अभी मैं आपको साइड में दिखा देना चाहता हूं कि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है ये मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले, यानी कि 3 महीने पहले, और इस 3 महीने में भाई इस वीडियो पे टोटल 158 के व्यूज आया, यानी कि 1.5 लाख के आसपास, ठीक है। और 1.5 लाख के व्यूज आने के बाद भाई यही वीडियो हमारे चैनल को मोनेटाइज करवा दिया। तो फाइनली बात करें कि आखिर मैंने उस पर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से हमारा वीडियो वायरल गया, और आप अपनी वीडियो को किस तरीके से वायरल कर सकते हैं, पूरा मैं आप सभी को इसका क्राइटेरिया एंड टर्म एंड कंडीशन समझा देता हूं, जिससे क्या होगा कि अगर आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो भाई कभी ना कभी आपका वीडियो जरूर वायरल होगा, और उसी एक वायरल वीडियो से भाई आपका 4000 वॉचर एंड 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं अपने चैनल के थ्रू आप सभी को बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो वगैरह देता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि वीडियो को वायरल करने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, तो एक वीडियो अपलोड करते हो तो उसका वायरल होने का कितना चांस होता है, 1%। अगर अपने चैनल पे टोटल 2 वीडियो अपलोड करते हो तो वायरल होने का चांस कितना होता है, 2%। अगर आप अपने चैनल पे टोटल 100 वीडियो अपलोड कर दोगे तो भाई 100% ये चांस है कि आपका चैनल में एक ना एक वीडियो जरूर वायरल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन यही है कि भाई आप जो भी वीडियो को वायरल कराना चाहते हो, यानी कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले चल रहा था ना कि माई फर्स्ट ब्लॉग और कई लोगों का ब्लॉग वायरल हो रहा था, तो अभी भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। तो लोग क्या कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप उसके जो वीडियो को देख रहे हैं वही वीडियो उनका वायरल गया, ठीक है। वो उसने उस तरीके का टोटल 10 वीडियो अपलोड किया है और 10 वीडियो में से एक वीडियो भाई उसका निकल गया। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, आप डेली वीडियो अपलोड करते हो, ठीक है, तो डेली वीडियो अपलोड करो। अपलोड करने के बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आपको सिंपल से करना क्या है, इसका क्या होता है टर्म एंड कंडीशन, कि अगर आप हमारे एक वीडियो को पूरा देख लेते हो तो YouTube हमारे इस वीडियो का इंप्रेशन टोटल 2 लोगों के पास भेजता है, ठीक है। अगर 2 लोग उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो YouTube क्या करता है कि उसका इंप्रेशन टोटल 4 लोगों के पास भेजता है, अगर 4 लोग देखते हैं तो 16 के पास भेजता है, 16 देखते हैं तो 64 के पास भेजता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग वीडियो को अगर फुल वॉच करेंगे तो आपका इंप्रेशन वीडियो का ज्यादा लोग के पास जाएगा, और लोग ज्यादा लोग आपके वीडियो पर क्लिक करेंगे और ज्यादा व्यूज आपको जाएगा, ठीक है। तो शुरुआती में क्या है कि लोगों के जो यूट्यूब चैनल है उस पर व्यूज नहीं आते थे, ठीक है, फाइनली मेरे में भी व्यूज नहीं आते थे। तो मैंने उसमें ऐसा क्या किया, देख सकते कि हमारे चैनल को वो दूसरा वीडियो है, ठीक है, दूसरा वीडियो ही मैंने वायरल कैसे कराया, बता दें आप लोगों को, जैसे मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद हमारे लोकल एरिया पे जितना भी फोन था ना, सभी फोन से भाई मैंने उस वीडियो को फुल वॉच किया है, और लगभग मैंने 25 से 30 जीमेल से उस वीडियो को फुल वॉच किया था, और पूरा वॉच करने के बाद हमारे वीडियो का इंप्रेशन ऐसे ही बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते हमारा वीडियो जो है वो वायरल चला गया। अभी आप देख सकते कि टोटल उसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है, और उसी ने हमारे चैनल को मोनेटाइज करवा दिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर आपके चैनल पे आप उस तरीके से अपने वीडियो को वायरल करा सकते हैं तो अभी आप अपने वीडियो को क्यों नहीं वायरल करा रहे, तो आप सभी को बता दें भाई कि इन सब चीज़ों को आप मोनेटाइजेशन से पहले ही कर सकते हैं। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और आप इस तरीके की चीज़ को करते हैं तो भाई आपके चैनल पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी, जिससे भाई आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाएगा। तो मुझे पता है कि काफ़ी लोग अभी हमारे वीडियो देख रहे होंगे उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो जिनका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है वो इस तरीके से अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे हर वीडियो को एक एक जीमेल से जो है वो बहुत बार करके देखेंगे, ठीक है, लगभग 10 से 15 जीमेल से आप उसको देखें, और देखने के बाद भाई आपका गारंटेड वो वीडियो जो है वो ज्यादा व्यूज जाएगा। और सिर्फ मैंने एक वीडियो के बारे में बताया ना, ऐसे ही टोटल आप 10 वीडियो अपलोड करें और 10 वीडियो में सेम काम करें, अगर आप सेम काम करते हैं तो भाई 10% चांस बन जाता है कि आपका वीडियो जरूर वायरल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं, ज्यादा व्यूज भी पा सकते हैं, और शुरुआती में सब कुछ कीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि भाई देखिए, अगर आपको नॉर्मल तरीके से वर्क करना है, काम करना है, तो अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो गारंटेड आपका वीडियो कभी ना कभी वायरल जरूर जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि शुरुआती में व्यूज लाने के लिए आपको इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर आप इन सब चीज़ को करते हैं तो गारंटेड आपका भी वीडियो वायरल होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो करिए वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ करते जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी
सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल स्टूडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।